नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला हमारे द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही है, जो यूपीएसआई, जेल वार्डर, फायरमैन, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, इसमें से 90% क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, एक एक वीडियो आपको मिस नहीं करना है। दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो, अगर आप इसके पहले वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कराए गए हैं और आज के क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चंबल नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको करा जाएंगे सारे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबसे मिले क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आज के जैसे एक एक में सेशन लूंगा, जैसे आज के सेशन में आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको अधिक मिलने वाले हैं, एक सेशन लूंगा जिसमें आपके हिस्ट्री क्वेश्चन अधिक मिलेंगे, क्वेश्चन सबके रहेंगे, लेकिन आज की जो क्वेश्चन है यहाँ पर ज्योग्राफी क्वेश्चन आपको अधिक मिलेंगे। देखिए कि जो चंबल नदी है इसका उद्गम स्थल का उद्गम मतलब जहाँ से चंबल नदी आपकी निकलती है। तो उसमें आपकी एमपी में एक जानापाव की पहाड़ी है, एमपी में आपकी एक मऊ आपकी जिला है, वहीं समीप स्थित आपकी जानापाव की पहाड़ी, वहीं से आपकी चंबल नदी निकलती है। और उसमें ये जो चंबल नदी है ये आपके 38 किलोमीटर की दूरी तय करके उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर दोस्तों ये आपकी यमुना में मिल जाती है। तो अगर पूछे कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपकी यमुना की सहायक नदी है, जो उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर आपके यमुना से मिल जाती है। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके चंबल नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो जानापा पहाड़ी, एमपी। यहाँ पर दोस्तों आपको एमपी की कैपिटल क्या है, तो एमपी की कैपिटल आपकी भोपाल, और इसके बारे में आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। जो आपकी दोस्तों जो आपकी स्वच्छता की रिपोर्ट आई थी उसमें एमपी का एक नगर है जिसे दोस्तों सबसे स्वच्छ नगर घोषित किया गया है, जिसके बारे में आप समझेंगे कि उसका नाम है आपका इंदौर। इंदौर को सबसे स्वच्छ आपके स्टेट घोषित किया गया है, सबसे स्वच्छ सिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं, जो माई ट्रुथ पुस्तक है इसके लेखक हैं कौन, तो दोस्तों माई ट्रुथ पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और इस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ याद रखेंगे। दोस्तों इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी हमारे देश की आपके प्रथम और एकमात्र आपके महिला प्रधानमंत्री हुई हैं। एक प्रथम महिला थी जो भारत की प्रधानमंत्री हुई थी, और उनके बाद अभी कोई भी ऐसी महिला हुई जो भारत की प्रधानमंत्री हो। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपके नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो 15वें नंबर के भारत के आपके प्रधानमंत्री। दोस्तों 15वें नंबर के हमारे पीएम हैं कौन, नरेंद्र मोदी साहब। 14वें नंबर के दोस्तों हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं कौन, आपके रामनाथ कोविंद। और 13वें नंबर के दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति हैं कौन, वेंकैया नायडू। कभी कभी नंबर पूछ जाता है कि वेंकैया नायडू कैसे नंबर के आपके उपराष्ट्रपति हैं, तो 13वें नंबर के। अगर ऐसे पूछ ले कि रामनाथ कोविंद कैसे नंबर के राष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के। अगर ऐसे पूछ ले कि नरेंद्र मोदी कैसे नंबर के आपके पीएम हैं, तो 15वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, इंदिरा गांधी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पिछले सेशन में हमने 15 क्वेश्चन किए थे, आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और ये क्वेश्चनों की आपकी लगातार संख्या बढ़ती रहेगी, जिससे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन से मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, अगर 20 क्वेश्चन कराऊंगा तो 50 क्वेश्चन से कम आपके कंप्लीट हो जाएंगे और ज़्यादा ही होंगे। देखिए नागरिकता संशोधन जो अधिनियम था CAA, इनके बारे में तो आप लोग आसानी से जानते होंगे। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आपके CAA को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था। उत्तर प्रदेश की दोस्तों बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपके लखनऊ। और जैसे ही लखनऊ आपके ऊपर आए, आपको याद रखना चाहिए कि लखनऊ किस नदी किनारे है, तो लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये सब बातें आपको एक से एक जोड़कर पढ़ेंगे, तभी लंबे समय तक चीजें आपको याद रखेंगे, वरना आपको चीजें भूल जाएंगी, क्योंकि आपकी मैटर बहुत ज्यादा है। अगर आप बार बार उसको दोहराते नहीं रहेंगे, आप उसको बार बार याद नहीं करते रहेंगे, तो वो चीजें आपके दिमाग से चली जाएंगी। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के टाइम के आपके सीएम कौन है, तो आपके कौन है, योगी जी हैं, बड़े अच्छे से आप जानते हैं, आदित्यनाथ योगी साहब हैं। आदित्यनाथ योगी साहब आपके नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको देकर जाता हूँ, जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको होमवर्क के लिए, अगले सेशन में मैं इसका उत्तर भी दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा अगर आपको जानकारी है तो। देखिए तमाशा की दोस्तों बात करें तो एक लोक नृत्य आपके तमाशा का संबंध किस राज्य से है, ये आपको बताना है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके सारे क्वेश्चन जितने हैं सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे थे। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सबके नोट्स में होने चाहिए, और एक तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन आप याद कैसे करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक नोटबुक लेकर आइए कि हमको यहाँ पर एग्जाम चैनल के माध्यम से जितने भी जीके जीएस क्वेश्चन कराएंगे इसमें लिखना है, उसको लिखिए, और दिन भर में कभी भी समय मिले 5 मिनट बैठकर कुछ मत कीजिए, बस उसको पढ़िए, बस
रीड कीजिए, बस पढ़ लीजिए बस। आप लोगों को अगर तो इतना याद होगा नहीं, आप सिर्फ पढ़िए, आपको देखेंगे कितने क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं धीरे धीरे करके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है, इस क्वेश्चन को, इस तरीके को आप लोग अवश्य ही अपनाइएगा। देखिए पाँचों क्वेश्चन है कि मिर्जा गालिब का मूल नाम क्या था। दोस्तों मिर्जा गालिब जो बहादुर शाह जफर के समय में था, और ऐसे क्वेश्चन की कौन सा कवि था जो 1857 ईस्वी की क्रांति को देखा था, तो आपके मिर्जा गालिब साहब हो जाएंगे। और मिर्जा गालिब साहब की कई सारी आपके कई सारे इनके शायर भी हैं जो बहुत लोग पढ़ते भी हैं, बहुत शायरियाँ पढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर देखें इनका मूल नाम क्या था, तो असदुल्ला खान था। क्या था आपका? असदुल्ला खान का मूल नाम था, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि आज के सेशन में आपके हिस्ट्री के जियोग्राफी क्वेश्चन आते रहेंगे, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी और भी विषय के क्वेश्चन रहेंगे, तो सारे क्वेश्चन आपको टकरा भी रहे हैं। आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप हिस्ट्री जियोग्राफी के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी आपकी मुंबई को कहा जाता है। दोस्तों मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई आपके महाराष्ट्र का है, और मुंबई दोस्तों किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो याद रखेंगे कि सालसेट द्वीप पर दोस्तों आपके आपकी मुंबई बसा हुआ है। अगर मुंबई के दोस्तों अगर मुंबई की अगर पूछ ले कि इनके आर्किटेक्चर कौन से, वास्तुकार कौन थे, तो आपके गेराल्ड ओंगियर हो जाएगा। कौन सी जगह? गेराल्ड ओंगियर। ये बहुत बार पूछा गया, इसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इसको आप नोटबुक में लिख लेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन को लिखा करिए तो साथ साथ जो अतिरिक्त जानकारियाँ आपको दी जाती हैं वो भी आपके नोटबुक में नोट होनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी के साथ उसको दोहरा सकें। दिन भर में एक बार मात्र पढ़िए सारे क्वेश्चन। अगर आपने ऐसे ऐसे करके 30 दिन तक अगर आपने लगातार पढ़ लिया तो आपके दिमाग में इस प्रकार से बैठ जाएंगे कि कभी हटेंगे ही नहीं। देखिए किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो प्रातःकालीन शांत स्थल किसे कहा जाता है? तो आपके कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। यहाँ पर मैंने आपको आंसर भी नहीं दिया है, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ कि केंद्रीय जो चमड़ा अनुसंधान संस्थान है, तो चय से याद रखेंगे कि चय अगर है तो चय होगा, चय से क्या होगा, चय से आपके चेन्नई होगा। इस प्रकार से ट्रिक्स याद रखेंगे कि चमड़ा जैसे चेन्नई, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का है तो चेन्नई में स्थित है। दो तीन बातें आपको और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता दें, जैसा आप लोग याद रखेंगे। अगर पूछे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है तो आपके नई दिल्ली में है। कहाँ पर? आपके नई दिल्ली में है, मैंने आपको कई बार बताया भी है, आप लोगों को याद होगा। अगर ऐसे पूछे कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपके राजमुंदरी सही उत्तर हो जाएगा, राजमुंदरी सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों आपके कानपुर से हो जाएगा। अगर ऐसे पूछ ले कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपकी करनाल से उत्तर हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप लिख कर याद कर लीजिए जो आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैन ऑफ डिस्टिनी के नाम से कौन जाना जाता है? दोस्तों आपके नेपोलियन बोनापार्ट, जो आपकी फ्रांस की क्रांति संबंधित था, नेपोलियन बोनापार्ट, इसको मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? तो 1789, जब लुई सोलहवें महाकाल राजा हुआ था, तब से ही आपकी क्रांति शुरू थी, फ्रांस की क्रांति। और इसको इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पर चलेंगे कि लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? दोस्तों लाल त्रिकोण आपने इसको देखा भी होगा, इस प्रकार से लाल त्रिकोण होता है, किसके प्रतीक है? दोस्तों ये परिवार नियोजन का प्रतीक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों कबूतर पक्षी किसका प्रतीक है? तो कबूतर पक्षी दोस्तों आपकी शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आपकी शांति का प्रतीक है, याद रखेंगे। अगर ऐसे पूछे कि दोस्तों आपके उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? दोस्तों ये आपके संकट का प्रतीक है। पीला झंडा दोस्तों किसे, पीला झंडा जो है आपके ये किसे प्रतीक है? दोस्तों जो आपके संक्रमित लोग होते हैं, जो आपके रोगी लोग होते हैं, उनको को ले जाने वाली जो वाहन होती है उसके ऊपर पीला झंडा लगाया जाता है। दोस्तों बातें आपको विशेष रूप से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, ये किस नदी पर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर तो याद रखेंगे कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, जलप्रपात को इंग्लिश में लिखते हैं हम डैम, जलप्रपात दोस्तों पहाड़ों से, जब कभी आपने फिल्म में भी देखा होगा वहाँ पानी से दूर से पहाड़ों से पूरे नीचे तरफ गिरता रहता है, उसे ही कहते हैं जलप्रपात। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये आपकी कावेरी नदी पर है, 90 मीटर ऊपर से गुजरता है ये आपकी शिव समुद्रम जलप्रपात। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों दो तीन जलप्रपात मैं आपको कई बार बताता हूँ, इस बार बताऊँगा कि जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? आपकी शरावती नदी पर। फिर आपकी यन्ना जलप्रपात किस नदी पर है?
आपके यन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? तो यन्ना जलप्रपात आपकी नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर यन्ना जलप्रपात है। आपके नर्मदा नदी पर तो एक और बहुत बहुत प्रसिद्ध आपके जलप्रपात है जिसे धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? आपके नर्मदा नदी पर है दोस्तों। और दो बातें याद रखेंगे कि आपकी चंबल नदी पर, जो भी पीछे मैंने आपको चंबल नदी के बारे में बताया कि जुजाना पाव की पहाड़ी से निकलती है और यमुना में जाकर मिल जाती है, उस चंबल नदी की बात करेंगे तो चंबल नदी पर भी दो आपके डैम मिलते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। एक होते हैं आपका चुलिया जलप्रपात, एक आपके चुलिया जलप्रपात, एक होता है दोस्तों आपका पुनासा जलप्रपात। ये दोनों के बारे में याद रखेंगे। ऐसी चीज़ें कनेक्ट करके पढ़िए और बार बार दोहराते रहिए जिससे कि अधिक से अधिक चीज़ें आपके दिमाग में सदैव रह जाएं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपकी ये 90 मीटर था जो भारत का सबसे ऊंचा है दोस्तों, आपको 255 मीटर का है, 255 मीटर का है, और वही दोस्तों आपका जोग जलप्रपात है जो आपके शरावती नदी पर है, ये सबसे ऊंचा है 255 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि मानस एंड काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अगर मानस तो आपको ना पता होगा, लेकिन काजीरंगा तो आपको पता होगा कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और यह किस राज्य में पड़ता है? तो यह आपके असम राज्य में पड़ता है दोस्तों। असम की बात करेंगे तो जो आपके GST आई थी, गुड सर्विसेज टैक्स GST, इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य आपके असम ही बना था। जीएसटी की बात करेंगे तो वह कौन सा देश था जिसने सबसे प्रथम जीएसटी को लगाया था, गुड सर्विस टैक्स को लगाया था? तो आपका उसका सही उत्तर जाएगा आपका फ्रांस, और भारत में 2017 में आया जिसकी प्रथम अध्यक्ष आपके अरुण जेटली साहब थे, जो क्या दोस्तों जो इसमें दिवंगत हो चुके हैं, जिनकी इसमें हमारी धरती पर मौजूद नहीं है। 2020 में मतलब वर्तमान समय इसके अध्यक्ष नीता आपके सीतारमण है, निर्मला सीतारमण। तो असम के बारे में आप इंपॉर्टेंट बातें आपके जान गए। असम मैप में कहाँ है आप लोग आसानी से जानते हैं कि भारत की ये जो आपके उत्तर पूर्व के शट होते हैं यहीं पर आपके बीच में असम है, आसानी से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में? दोस्तों सिमलीपाल और एक दोस्तों आपका एक सिमलीपाल अभ्यारण्य है और एक है दोस्तों आपका चिल्का अभ्यारण्य, ठीक है, ये दोनों आपके उड़ीसा राज्य में पड़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से याद रखेंगे और ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार देखने को मिला है। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य फिर चिल्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। दो तीन क्वेश्चन जो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा जो आपको लिखना ही लिखना है कि आपके की तनसा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो तनसा दोस्तों आपका जो अभयारण्य है ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तुरंत नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। दो तीन और मैं बताऊंगा, जैसे अबोहर अभयारण्य अबोहर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपके पंजाब राज्य में स्थित है। आपको याद होना चाहिए आसानी के साथ। और दो तीन याद रखेंगे कि वेदांत गल अभयारण्य मुदुमलई अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों ये आपके तमिलनाडु में स्थित हैं और इसको आप आसानी के साथ याद रखेंगे। ये सब चीज़ें अपनी नोटबुक को नोट होनी चाहिए और आप नोट भी कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके परियोजनाओं से हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आज के क्वेश्चन आपको जियोग्राफी के क्वेश्चन की अधिकता मिलेगी, तो कुछ क्वेश्चन मैंने अन्य विषयों से भी कराया, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन जियोग्राफी के हैं। जो अगला सेशन आएगा उसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन की अधिकता रहेगी, ऐसे में आपके सेशन लूंगा। जैसे आपके ये दूसरा सेशन है तो यहाँ पर आज दूसरे सेशन में जियोग्राफी की अधिकता है, तो एक सेशन में आपकी हिस्ट्री की अधिकता हो जाएगी, किसी सेशन में पॉलिटी की अधिकता हो जाएगी, और क्वेश्चन आपके सारे रहेंगे जिससे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन की तैयारी आप आसानी के साथ कर सकें। क्वेश्चन की फरक्का परियोजना ये किस नदी से संबंधित है? पहले जान लीजिए कि फरक्का परियोजना किस राज्य में है, तो ये आपकी पश्चिम बंगाल। और किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित फरक्का परियोजना? तो आपकी गंगा और भागीरथी, गंगा जो भागीरथी नदियां हैं इस पर आपकी फरक्का परियोजना है। एक परियोजना और जो मैंने आपको कई बार बताया कि काकड़ा पारा परियोजना है, ऐसे में आपको बार बार रिवाइज करता रहूंगा। काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों ये आपके ताप्ती नदी पर है। और किस राज्य में? आपके गुजरात। और गुजरात में तीन प्रकार की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, एक होती है गिर, मांडव और आपकी बर्दा, इसको याद रखेंगे बहुत ज़्यादा पूछा है। और गिर जो राष्ट्रीय उद्यान जो गिर ये आपके क्या है वन है, यहाँ पर आपके एशियाई शेर पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की सांभर, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना झील किस राज्य में? डिडवाना और सांभर कई बार पूछा गया है, क्योंकि सांभर साल्ट जो झील है यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है, बहुत साल्टी है आपके। तो यहाँ पर सांभर, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना झील किस राज्य में? सबके ये राजस्थान राज्य में स्थित हैं। बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप आसानी के साथ याद रखेंगे। राजस्थान की बात करेंगे दोस्तों, इसमें अधिकतम आपके मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, इसको आप लोग आसानी के साथ याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि
ताजिकिस्तान जो है दोस्तों इसकी राजधानी और मुद्रा क्या है, ताजिकिस्तान की राजधानी और मुद्रा क्या है दोस्तों, ताजिकिस्तान की राजधानी हो जाएगी दुशानबे और इसकी मुद्रा हो जाएगी सोमोनी। दोस्तों एक क्वेश्चन से मैंने आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करा है, वैसे मैं दो दो क्वेश्चन भी कर सकता था कि ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, ताजिकिस्तान की मुद्रा क्या है, लेकिन एक ही क्वेश्चन मैंने कर दिया कि ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है दुशानबे, ताजिकिस्तान की अपनी मुद्रा क्या है कि सोमोनी है, क्या आपकी सोमोनी है, याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके रेगिस्तान से कि टाकलामाकन, जो टाकलामाकन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप आसानी के साथ रखें, कई बार परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि टाकलामाकन जो रेगिस्तान है किस देश में स्थित है, जबकि सियांग चीन में, सियांग जो चीन है वहाँ पर आपके टाकलामाकन रेगिस्तान स्थित है, याद रखें कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एग्जाम तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं, और इसके अगर आपने प्रथम वीडियो को नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और दोस्तों प्लेलिस्ट के साथ मैंने कई सारे वीडियो की प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई है, जाकर चेक कीजिए कैसे कैसे यहाँ पर क्लासेज चल रही हैं और आपके लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं, तो जाकर देख लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप मेडिवल हिस्ट्री, आपके मध्यकालीन इतिहास जो है, आपके जो मध्यकालीन इतिहास है इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आई बटन पर भी जाकर देख लीजिएगा, आपके मध्यकालीन इतिहास पूरे शुरू से लेकर पूरा अंत तक कराया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इस क्वेश्चन आपका दोस्तों 18वां क्वेश्चन कि ग्रेसर ब्रह्म राकापोसी तिरिचमीर पर्वत शिखर किस देश में स्थित है, तो आपके पाकिस्तान में। एक एक क्वेश्चन से आपके तीन तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं कि जैसे आपको अगर ऐसे पूछा कि राकापोसी जो पर्वत शिखर है किस देश में स्थित है, तो आप जान जाते कि पाकिस्तान आसानी के साथ, लेकिन दो क्वेश्चन और याद रखिए, ग्रेसर ब्रह्म और तिरिचमीर ये भी पूछा गया है, तो ग्रेसर ब्रह्म अगर ऐसे पूछ लो ग्रेसर ब्रह्म पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है, तो पाकिस्तान में। तिरिचमीर पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है, तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान दोस्तों है, पाकिस्तान जो है दोस्तों इसकी राजधानी क्या है, आपकी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद है, और मुद्रा यहाँ पर दोस्तों आपके रुपया ही है, रुपया ही आपका यहाँ की मुद्रा है। पाकिस्तान दोस्तों 1947 में भारत से अलग हो गया था, पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे, इस सब बातें आप आसानी के साथ जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की रुडोल्फ झील किस देश में स्थित, दोस्तों आपको जो रुडोल्फ झील है ये आपके केन्या में स्थित है, केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों, केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी है, बहुत बार परीक्षा पूछा गया है, तो आपके रुडोल्फ जो झील है किस देश में स्थित है, तो रुडोल्फ जो झील है बहुत बार परीक्षा पूछा गया, रुडोल्फ झील आपके केन्या राज्य में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जलसंधि से है कि मलक्का जो जलसंधि किस किस देश को जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है, तो जो मलक्का जलसंधि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको याद हो जाए चाहिए, एग्जाम तक चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब और कर लीजिएगा कि मलक्का जलसंधि किस किस को जोड़ते हैं, दोस्तों ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, कहने का मतलब कि इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मलक्का जलसंधि किस किस को जोड़ता है, तो मलक्का जो जलसंधि है ये आपके अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, और अगर देश की बात करेंगे तो यह इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इंडोनेशिया की बात करेंगे तो एशिया में आपके सर्वाधिक आपके आबादी वाला जो के सर्वाधिक आबादी क्या कहें, सर्वाधिक का जो बड़ा आपके तीसरा, तो तीसरा देश है एशिया का वो आपका इंडोनेशिया ही होता है, आपकी इसका सुमात्रा द्वीप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ पर आपके प्रथम डच यात्री कार्नेल हाउटमैन यहाँ पर उतरा था, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर ही। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों से दिल से धन्यवाद, एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ट्विटर की लिंक दी गई है, यहाँ पर ट्विटर पर हमसे जाकर फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर हमसे डायरेक्टली बात आप कर भी सकते हैं ट्विटर पर, आपके ट्विटर के माध्यम से, तो ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमेशा के लिए मैं आपसे जुड़ जाऊँ। मलक्का जलसंधि किस देश को जोड़ती है, तो इस बात को याद रखिएगा, इन दिन उस दिन मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए थे, आज 20 क्वेश्चन कराए, ये 20 क्वेश्चन कहते रहे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगा, और उसमें दो तीन बातें स्पष्ट रूप से जानिएगा कि हमारे यहाँ पर दोस्तों इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, अगर आप यूपी आप यूपीएसआई जेल वार्डर फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, जेल वार्डर अगर फायरमैन की तो एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई आपकी हिंदी की, हिंदी स्पेशल की, तो वहाँ पर हिंदी के दोस्तों आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जाकर ज्वाइन कीजिए, हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं और इसको आप मिस नहीं करेंगे। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आरआरबी एनटीपीसी नाम की, तो जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर भी जीके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराए जाते हैं और आपके लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको मिस नहीं करेंगे।
और इसकी पहली क्लास को जाकर अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री की एक स्पेशल क्लास हमारे यहाँ पर चलती है, यहाँ पर हिस्ट्री के ही क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। इसकी अभी तक 3 क्लासें हुई हैं, अगर आपने मिस कर दी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी लिंक है, जाकर देखिए, मजे कीजिए। और अगर आप NTPC रूबरी की तैयारी करें तो ये GK की इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए भी चलेगी, और दोनों को बता दीजिएगा कि NTPC रूबरी की तैयारी कर रहे हैं जेल वाटर में, सभी आकर देखिए। ऑल एग्जाम के लिए GK क्वेश्चन वही सेम रहते हैं, सभी लोग इस सेशन को, उस सेशन को, दोनों सेशन को देखते रहेंगे। और इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात की दोस्तों, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिवस आने वाला है, तो उससे लेकर महात्मा गांधी से कई सारे क्वेश्चन परीक्षा पूछ जाते हैं, तो मैं एक स्पेशल सीरीज चलाऊंगा कि महात्मा गांधी से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी करा दूंगा, तो इसको आप देखना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स आपको लगातार मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं कि हम तक। धन्यवाद।